अगर आप बिजली के बिल से तंग हैं और 8 मिनट में 30 लीटर का टैंक गर्म करना चाह रहे हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज जो गीजर्स हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये इलेक्ट्रिक गीजर नहीं बल्कि फास्ट इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं। ये इंतहाई एफिशिएंट मॉडल हैं जो 2 दिन में हाफ यूनिट कंज्यूम करते हैं, और इसको इंस्टॉल करवा कर आप 95% तक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर सकते हैं। अभी तक आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो सिंपल इलेक्ट्रिकल गीजर्स पर मिलेंगी, बट फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान आज हम आपको फास्ट इलेक्ट्रिक गीजर्स के बारे में बताएंगे। इन फास्ट इलेक्ट्रिकल गीजर्स को रिसेंटली फिशर कंपनी ने लॉन्च किया है पाकिस्तान में। फास्ट इलेक्ट्रिकल गीजर्स की इस न्यू सीरीज की खास बात यह है कि इनमें आपको इनक्लोए का हीटिंग एलिमेंट मिलता है जो कि मेड इन USA है, और 1600 डिग्री पर भी ये बर्न नहीं होता, जिसकी वजह से गीजर और एलिमेंट की लाइफ 15 से 20 साल है। अगर गीजर की बिल्ट इन क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें तमाम इम्पोर्टेड मटेरियल यूज होता है जिसे पाकिस्तान में असेंबल्ड किया जाता है, और इसके फ्रंट पर आपको एक नॉब मिलती है जिसके ज़रिए आप इसका टम्परेचर 50 से 70 डिग्री तक कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे ही टम्परेचर सेट करेंगे तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, और ये तब तक ऑन रहेगी जब तक टैंक में सेट टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं होता। इसकी बैक पर आपको इन और आउट के लिए 2 पाइप्स मिलते हैं। इसकी एक्सेसरीज में आपको एक प्रेशर वॉल मिलेगा जिसको आपने ठंडे पानी के पाइप पर इंस्टॉल करना है, जो कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करेगा और टैंक में मौजूद हीट को एग्जॉस्ट करेगा। इसमें फ्रंट पर आपको स्केल नज़र आता है जो कि टैंक में मौजूद पानी के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। क्योंकि ये फास्ट इलेक्ट्रिक गीजर है इसलिए इसमें आपको हैवी ड्यूटी वाटर टैंक देखने को मिलता है। इसके साथ आपको इनक्लोए का हीटिंग एलिमेंट, थर्मोस्टेट कंट्रोल शीट जो 8 से 10 घंटे पानी गर्म रखती है, और हीटिंग के लिए प्रॉपर मैग्नीशियम रॉड मिलता है जिसकी वजह से 4 मिनट में पानी गर्म करके आप 95% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं। कंपनी ने गीजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी में आपको सिंपल वाइट टैंक, जबकि सेकंड कैटेगरी में आपको इंपोर्टेड क्रोम का टैंक मिलता है। इस गीजर के टैंक में आपको ब्लू कोटिंग मिलती है जिसकी वजह से पानी 4 मिनट में गर्म और 10 से 12 घंटे तक टेम्परेचर मेंटेन रखता है। इसको इंस्टॉल करते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने से पहले आपने वाटर टैंक को फिल करना है। इसके फ्रंट पर भी आपको नॉब नजर आती है जिसके जरिए आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, और इसके फ्रंट पर भी आपको हीटिंग इंडिकेशन लाइट मिलती है जो कि टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ऑफ हो जाती है। अगर बिल्ट इन क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बिल्ट इन क्वालिटी का अंदाजा आप इसके एक्सटीरियर टैंक से ही लगा सकते हैं। इसके फ्रंट पर आपको ये मीटर मिलता है जो बेसिकली टैंक के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। इसमें भी आपको सेम हैवी ड्यूटी इम्पोर्टेड टैंक और नॉर्मल इलेक्ट्रिक गीजर से 5 टाइम बेटर इम्पोर्टेड हीटिंग एलिमेंट मिलता है। ये पाकिस्तान का पहला गीजर है जिसमें आपको थर्मोस्टेट कंट्रोल मिलता है, और ये आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के साथ 8 से 10 घंटे गर्म पानी प्रोवाइड करता है। इसमें आपको बिल्ट इन ब्रेकर भी मिलता है जो हीट ज़्यादा होने पर ट्रिप कर जाता है, और इसके साथ आपको प्रेशर वॉल मिलता है जो हीट को एग्जॉस्ट और पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से इसके टैंक की लीकेज कंट्रोल होती है और इसकी लाइफ 15 से 20 साल तक बढ़ जाती है। इसमें आपको हैवी गेज का टैंक मिलता है जिसकी वजह से इसकी लीकेज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिशर में आपको ड्यूल ऑप्शन गैस और इलेक्ट्रिसिटी और 8 से 10 के हैवी गेज में बड़े गीजर्स भी मिलते हैं जिसको आप पूरे घर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको 15 से 55 गैलन तक के गीजर्स मिलते हैं। इन मॉडल्स की प्राइसेस मार्केट में अवेलेबल लोकल मॉडल से थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स पर बनाए गए हैं, और फिशर के पास इसका लाइसेंस भी मौजूद है जो कि गीजर पर आपको डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा ये गीजर्स पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से भी अप्रूव्ड हैं, और इसके फ्रंट पर आपको स्केल मिलता है, और ये 30 से 90 डिग्री तक पानी को गर्म करता है। इस गीजर्स को आप घर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, और पूरी फैमिली ये 10 से 12 लोगों के लिए इसको ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हॉस्टल के ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या ऑफिस के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिशर के तमाम मॉडल्स ISO सर्टिफाइड हैं फ्रॉम 2015। फिशर वो वाहिद कंपनी है जिसके बड़े गीजर में भी आपको इंपोर्टेड थर्मोस्टेट मिलता है जो पानी को 8 से 10 घंटे गर्म रखता है। इसमें आपको ऑटो इग्निशन की ऑप्शन भी मिलती है, यानी गैस पर चलाने के लिए आपको आग का शोला जनरेट नहीं करना पड़ता,
ये ऑटो पर इसको जनरेट करता है। ये एक एडवांस फीचर है जो कि इस गीजर में आपको मिलता है। इसके फ्रंट पर आपको इस्तेमाल करने का तरीका या आसान लफ्जों में एहतियाती तदाबीर मिलती हैं कि इसको इस्तेमाल करते हुए आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। इसके अंदर आपको प्योर कॉपर की पाइपिंग मिलती है और लोहे की हैवी गेज मिलती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ 15 से 20 साल है। और आप वन टाइम बाय करके 15 से 20 साल गीजर बाय करने की टेंशन से निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी हमारे YouTube चैनल सारिम इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुल्तान से हैं तो आप हमारा शोरूम सारिम इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल टाउन रोड मुल्तान पर हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।